हाई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु क्लासेस। टुडे इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो इस क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, इस सेकेंड पार्ट में और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स की, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स की, 99% टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम IAS 1996 की है। अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज यूज टू हीट वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस बाई यूजिंग हॉट एग्जॉस्ट गैसेस एंटरिंग एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड लीविंग एट 80 डिग्री सेल्सियस। द LMTD फॉर द हीट एक्सचेंजर इज, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको माई डियर फ्रेंड्स। आपको दो फ्लूड्स दे रखे हैं, वन इज हॉट, अनदर वन इज कोल्ड। हॉट हमारे यहाँ पर क्या है, हॉट एग्जॉस्ट गैसेस, और कोल्ड क्या है, वाटर। मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वो मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा जो फर्स्ट टाइम HMT पढ़ रहा है, हीट ट्रांसफ़र फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है। और जब प्रॉब्लम हो जाएगी आफ्टर डैट मैं आपको बताऊँगा कि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ओके। तो सबसे पहले मैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लिख लेता हूँ ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, कन्फ्यूज ना हो। फिर हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड, हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड लिख लिया, ओके। हॉट फ्लूड मेरा यहाँ पर क्या है, हॉट एग्जॉस्ट गैसेस, हॉट एग्जॉस्ट गैसेस। और कोल्ड फ्लूड क्या है मेरा यहाँ पर, वाटर, ओके। तो वाटर का टेम्परेचर दे रखा है मुझे TCI इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू, कहाँ तक हीट कर रहे हैं हमें, कहाँ तक हीट कर रहे हैं वाटर को, 80 डिग्री सेल्सियस तक, बाय यूजिंग हॉट एग्जॉस्ट गैसेस एंटरिंग एट, एंटर किस पर कर रही है, 140 डिग्री सेल्सियस और लिविंग एट 80 डिग्री सेल्सियस। माई डियर, मैं इनलेट वाले आमने सामने लिखता हूँ, एग्जिट वाले आमने सामने, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। वी हैव टू फाइंड LMTD, लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और यू कैन से इक्विवेलेंट मीन टेम्परेचर डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड दिस। माई डियर फ्रेंड, आपको फॉर्मूला पता है, DTLM DTI माइनस DTE अपॉन LN DTI अपॉन DTE, राइट। आप DTI की मीनिंग क्या है और DTE की क्या है वो आप फिगर से देख लीजिए, टेम्परेचर एरिया डायग्राम और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग द एक्स और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर। इधर आपका टेम्परेचर होता है, इधर आप लेंथ बोल लीजिए या कंप्लीट को एरिया शो कर दीजिए, ठीक है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, सपोज ये मेरा हॉट फ्लूड फ्लो कर रहा है, इनलेट हो गया, ये एग्जिट हो गया। काउंटर फ्लो में इनलेट यहाँ पर होगा, ये दूसरे फ्लूड कोल्ड फ्लूड का, राइट, TC, ठीक है। तो हमारा DTI क्या होगा, DTI होगा ये डिफरेंस, DTE क्या होगा, ये डिफरेंस, ओके। तो DTI कितना होगा, DTI इज इक्वल टू THI माइनस TCE। THI कितना है यहाँ से देखिए, 140 है, TCE कितना है मेरा, 80 है, तो ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। DTE देखते हैं, THE माइनस TCI, THE कितना है मेरा, 80, TCI कितना है, TCI है मेरा 20, तो ये हुआ 60। माई डियर फ्रेंड्स, DTI और DTE दोनों इक्वल सेम हो गए, तो इसका मतलब DTLM इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन हम जब LHospital रूल यूज करते हैं, यूजिंग LHospital रूल, तो DTLM काउंटर फ्लो के केस में क्या आता है, आइदर DTI और DTE, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा DTLM काउंटर फ्लो, दोनों सेम है, 60 डिग्री सेल्सियस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। माई डियर फ्रेंड्स, जब आप गेट में एग्जाम ये सॉल्व करोगे और IAS में सॉल्व करोगे, आपको ये डायग्राम बार बार नहीं बनाना है, आपको ये अपने माइंड में रखना है, इसे
कि इधर टी एच आई होगा, इधर टी सी होगा, इधर टी एच ई होगा, इधर टी सी आई होगा। आप तुरंत यहाँ पर बिना ये यूज़ किए आप डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ से पुट ऑन करेंगे और देख लेंगे कि जीरो आ रहा है, 0.0 की फॉर्म आ रही है, तो हमारा डेल्टा टी आई और डेल्टा टी होगा। ओके ओके ठीक है। आप अगर इसे चेक करना भी है तो आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। देखिए एम एच डॉट सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई एम सी डॉट सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई। एम एच डॉट आप छोड़ दीजिए, आपको दिया भी नहीं है। टी एच आई माइनस टी एच ई कितना हो गया, ये 60 हो गया। एम सी डॉट सी पी सी डिफरेंस कितना हुआ, 60। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, एम एच डॉट सी पी एच एम सी डॉट सी पी सी इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, राइट। जब ये कंडीशन होगी, जब ये कंडीशन होगी तो ये होगा ही होगा, इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको चारों टेम्परेचर्स दे रखे हैं, आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कीजिए, आपकी अगर ये कंडीशन आ गई तो आप डायरेक्ट इसे यूज़ कीजिए। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये भी है कि अगर आपको ये डायरेक्ट दे रखा है एम एस सी पी एच, अगर दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता और आपको ये डायरेक्ट दे रखा है एम एस सी पी एच इक्वल टू एम सी डॉट सी पी सी, हीट कैपेसिटी दोनों फ्लूड की सेम है, तो आप डायरेक्ट इसे यूज़ कीजिए। ओनली फॉर काउंटर फ्लो, ओनली फॉर काउंटर फ्लो माई डियर फ्रेंड्स, ओनली फॉर काउंटर फ्लो। ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड्स। माई डियर फ्रेंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू, गेट 2002 की प्रॉब्लम है। फॉर द सेम इनलेट एंड एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूड्स द लॉग मिन टेम्परेचर डिफरेंस इज ग्रेटर फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर देन द काउंटर फ्लो, ग्रेटर फॉर काउंटर फ्लो देन द पैरेलल फ्लो, सेम फॉर बोथ डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड। माई डियर फ्रेंड्स मैंने सेम प्रॉब्लम प्रीवियस पार्ट वन ऑफ हीट एक्सचेंजर में की थी, उसमें एसर्जन रीजन में था, रीजन गलत था, ठीक है, उसमें मैंने प्रूव करके दिखाया था, बट फिर भी मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है। तो देखिए आपको प्रूव करना है तो आप सिंपल सी बात है, आप टेम्परेचर ले लीजिए, मैंने हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड का एक टेम्परेचर मान लेता हूँ, कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ, टी एच आई टी एच ई टी सी आई टी सी ई, ठीक है। हॉट फ्लूड का मैंने मान लिया 80 डिग्री सेल्सियस पर एंट्री की, 50 डिग्री पे लीव छोड़ा, मतलब हीट एक्सचेंजर से एग्जिट किया। कोल्ड फ्लूड ने 30 डिग्री पे एंट्री की, 30 डिग्री पे एंट्री की और 40 डिग्री पे एग्जिट किया, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहले पैरेलल फ्लो के लिए देख लेते हैं, फिर काउंटर फ्लो के लिए देख लेते हैं और उससे प्रूव हो जाएगा। माई डियर फ्रेंड्स इसमें दिया फॉर द सेम इनलेट टेम्परेचर एंड एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूड्स, मीन्स इसी जो ये कंडीशन हमने अज्यूम किया इसी के लिए हम पैरेलल केस में देखेंगे, इसी के लिए हम काउंटर फ्लो केस में देखेंगे। तो पहले पैरेलल फ्लो केस में देख लेते हैं, डेल्टा टी एल एम लॉग मिन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ई अपॉन एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी आई पैरेलल फ्लो केस में क्या होगा, पैरेलल फ्लो केस में होगा टी एच आई माइनस टी सी आई, ये हो गया 50, ये हो गया 10, ये हो गया एल एन 50 अपॉन 10, यू विल गेट हेयर 40 डिवाइडेड बाय एल एन 5, ये हो गया 24.85 डिग्री सेल्सियस। ओके 24.85 डिग्री सेल्सियस। नाउ काउंटर फ्लो का केस देख लेते हैं, काउंटर फ्लो के केस में डेल्टा टी एल एम, फॉर्मूला डेल्टा टी एम का दोनों केस में सेम रहेगा, बट डेफिनेशन ऑफ डेल्टा टी आई और डेल्टा टी वुड बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। ओके डेल्टा टी आई इस केस में क्या होगा, काउंटर के केस में क्या होता है, काउंटर के केस में होता है डेल्टा टी आई इज इक्वल टू टी एच आई माइनस टी सी ई, और डेल्टा टी क्या होता है टी एच ई माइनस टी सी आई। ओके टी एच आई माइनस टी सी, तो ये हो गया 40 माइनस 20, ओके एल एन 40 बाय 20, 20 बाय एल एन टू कितनी वैल्यू आ रही है 28.5 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या प्रूव हुआ, डेल्टा टी एल एम फॉर काउंटर फ्लो इज मोर देन डेल्टा टी एल एम
फॉर पैरेलल फ्लो, अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ठीक है, ग्रेटर फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर देन द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, गेट 2011 की प्रॉब्लम है। इन अ कंडेंसर, कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर होता है, इन अ कंडेंसर ऑफ ए पावर प्लांट द स्टीम कंडेंसेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, द कूलिंग वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 45 डिग्री सेल्सियस द LMTD ऑफ द कंडेंसर। माय डियर फ्रेंड्स कंडेंसर में स्टीम का टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर बट फेज विल चेंज। ओके तो देखते हैं, हम पहले एक टेम्परेचर अलोंग द लेंथ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। टेम्परेचर अलोंग द लेंथ स्टीम का ऊपर होगा और वाटर का स्टार्टिंग में कम है और एग्जिट पे ज़्यादा है, ये हुआ ठीक है। और पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो इन द केस ऑफ फेज चेंज मैटर नहीं करता है ठीक है। तो ये THI और THE कितना है हमारा, दोनों सेम रहेगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। कूलिंग वाटर, वाटर के लिए एंट्री पॉइंट TCI, एग्जिट TCI कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस, TCE कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड डेल्टा टी एल एम LMTD यू नो डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE अपॉन LN डेल्टा TI अपॉन डेल्टा TE, हमने पैरेलल फ्लो ड्रॉ किया है ठीक है। तो 60 यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी डेल्टा TI की, THI माइनस TCI डेल्टा TE इज इक्वल टू THE माइनस TCE ठीक है। तो THI माइनस TCI कितना हुआ 60 माइनस 30 60 माइनस 45 15, ओके सो 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय LN 30 बाय 15 यू विल गेट 15 डिवाइडेड बाय LN 2 यू विल गेट 21.64 डिग्री सेल्सियस। माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर द वैल्यू ऑफ LN 2, बट एक गेट की प्रॉब्लम थी, कैलकुलेटर अलाउड होगा ओके तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स नाउ कम टू प्रॉब्लम 4, गेट 2014 की प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ हीट एक्सचेंजर इट इज ऑब्जर्व दैट डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 वेयर डेल्टा T1 इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिंगल फेस, वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल फेस टू सिंगल फेस फ्लूड स्ट्रीम्स एट वन एंड, डेल्टा टू इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट द अदर एंड, दिस हीट एक्सचेंजर वेयर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड्स टू सिंगल फेस मीन्स आपको दो फ्लूड दे रखे हैं और दोनों की फेस एक ही है थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर मीन्स फेस चेंज नहीं हो रही है। तो कंडेंसर और इवापोरेटर तो चला गया, कंडेंसर और इवापोरेटर चला गया ठीक है। अब पैरेलल फ्लो देख लेते, अब डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं बाकी का। ये पहले मैं पैरेलल फ्लो के लिए करता हूँ ठीक है, डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 सेम डायरेक्शन में माय डियर फ्रेंड सेम डायरेक्शन मींस पैरेलल फ्लो लाइक दिस। तो मैं सेम डायरेक्शन में डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 कब पॉसिबल होगा लाइक दिस ठीक है, डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 ये पॉसिबल होगा। और इससे क्या पता चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर, और ये किस केस में होता है जिसमें फेज चेंज होती है, बट यहाँ फेज चेंज हो नहीं रही है तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर भी गलत हो गया ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ड्रॉ कर देते हैं इसे देख लीजिए। ये आपका हॉट फ्लूड हो गया, यहाँ डेल्टा T1 ओके डेल्टा T1 और ये आपका डेल्टा T2 डेल्टा T1 और डेल्टा T2 ठीक है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कंडेंसर इवापोरेटर कैंसिल हो गया क्योंकि टू सिंगल फेज दे रखे हैं हमें, फिर पैरेलल फ्लो भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों फेस चेंज दिखा रहे हैं
ठीक है, और क्वेश्चन में फेस चेंज दिया नहीं है। तो बहुत अच्छी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। नाउ कम टू फिफ्थ प्रॉब्लम, गेट 1997 की प्रॉब्लम है। इन अ सर्टेन हीट एक्सचेंजर, देखिए सर्टेन हीट एक्सचेंजर बोला है, कोई पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर की बात नहीं हो रही है। फॉर बोथ द फ्लूड्स हैव आइडेंटिकल मास फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक हीट प्रोडक्ट, मीन्स एम डॉट सी इज सेम फॉर हॉट एज वेल एज कोल्ड फ्लूड। एम सी डॉट, और ये हो गया कोल्ड फ्लूड के लिए। ओके, द हॉट फ्लूड एंटर्स एट एंड लीव्स एट, टेम्परेचर दे रखा है, कोल्ड फ्लूड का भी दे रखा है, एंटर्स एट और लीव एट। ओके, तो डाटा लिख लेते हैं पहले हम, हॉट फ्लूड, कोल्ड फ्लूड। ओके, हॉट फ्लूड, कोल्ड फ्लूड। हॉट फ्लूड का THI हमें दे रखा है 76 डिग्री सेल्सियस, THE दे रखा है हमें 47 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड फ्लूड का TCI दे रखा है हमें 28 डिग्री सेल्सियस, TCE दे रखा है हमें 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चल गया कि हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है, और इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिवनेस होती है हमारी क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम, राइट, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, एम डॉट सी मिनिमम THI माइनस TCI, THI माइनस TCI, और यहां पे हम लेते हैं जो मिनिमम होगा उसके हिसाब से हम ले लेते हैं, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू एम एस डॉट सी पी एस टी एच आई माइनस टी एच ई इज इक्वल टू एम सी डॉट सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई। ठीक है, ये लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप टेम्परेचर्स को रखें, एम एस सी पी एस तो ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है, अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दें और ये टेम्परेचर्स रख के देखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ट्रिकी पूछ लिया है हमसे। हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है, ठीक है, एक कंडीशन ये दे रखी है, दूसरा हमें ये डाटा दे रखा है, ठीक है, तो हम इन दो कंडीशंस को लेते हुए इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, एम डॉट सी मिनिमम, यहाँ दोनों इक्वल दे रखी है, तो हम पहले एक कंडीशन को यूज़ करेंगे, हॉट फ्लूड वाले को, हॉट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हॉट के लिए, एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई, ये मैं इफेक्टिवनेस लेके चल रहा हूँ पहले केस के लिए। ठीक है, पहले केस के लिए एम डॉट सी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई। माई डियर फ्रेंड्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर दोनों इक्वल दे रखे हैं, आप किसी को भी मिनिमम कंसिडर कर लो, हमने फर्स्ट हॉट केस लेकर चल रहे हैं, तो हॉट वाला रखा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, एफ साइलन टी एच आई माइनस टी एच ई, वैल्यूज रख देते हैं 76 माइनस 47 अपॉन टी एच आई 76 माइनस टी सी आई 28। नाउ यूज कैलकुलेटर, देखिए 97 की प्रॉब्लम है, कितनी ट्रिकी प्रॉब्लम पूछी है, 76 माइनस 47 यू विल गेट 29 डिवाइड बाय 76 माइनस 28 यू विल गेट 0.604। ये आ गई इफेक्टिवनेस। ओके, नाउ सी, अब दूसरा केस लेकर चलते हैं हम, दूसरा केस, इसे एप्सिलॉन डैश मान लेते हैं इफेक्टिवनेस को, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब हम कोल्ड फ्लूड के लिए ले लेते हैं, एम डॉट सी सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई अपॉन एम डॉट सी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई। ओके, ले लिया आपने, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टेम्परेचर्स की वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है, टी सी ई कितना है आपका 55, टी सी आई कितना है 28, टी एच आई कितना है 76, टी सी आई कितना है 28। फाइंड आउट द वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर, 55 माइनस 28 डिवाइड बाय 76 माइनस 28 यू विल गेट हियर 0.5625।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको दो वैल्यूज मिल गई, दो वैल्यूज मिल गई, इन दोनों के बीच की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ऑप्शंस में से, दैट इज द करेक्ट आंसर। 0.58 इज बिटवीन 0.604 एंड 0.5625। ओके, तो ये क्वेश्चन था बहुत ट्रिकी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, गेट 2004 की प्रॉब्लम है। गेट 2004 क्वेश्चन है, इन अ कंडेंसर वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। माय डियर, कंडेंसर को नोट कर लीजिए, वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड फ्लोज एट द रेट ऑफ 1500 किलोग्राम पर आवर। द कंडेंसिंग स्टीम इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस एंड कूलिंग वाटर लीव्स द कंडेंसर एट 80 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.87 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन तथा हीट ट्रांसफर एरिया इज। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए, आप कंडेंसिंग स्टीम का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है 120 टू 80। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। कंडेंसिंग स्टीम का टेम्परेचर आपको 120 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम टेम्परेचर वेरिएशन का डायग्राम बना लेते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग द लेंथ, टेम्परेचर और लेंथ, ठीक है। कंडेंसर में कंडेंसिंग स्टीम का टेम्परेचर हायर होगा, वाटर एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। पैडलर और काउंटर फ्लो मैटर नहीं करता जहाँ पर फेस चेंज हो रही है। ये THI हो गया, ये THE, TCI, TC, फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ कंडेंसिंग स्टीम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। THI इज इक्वल टू THE, हमें कितना दिया है 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम लिख लेते हैं हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड। हॉट फ्लूड में हमें स्टीम दिया है, कोल्ड फ्लूड में हमें वाटर दिया है, ठीक है। स्टीम का इनलेट एग्जिट टेम्परेचर हमें दे रखा है 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इनलेट दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस, वाटर एंटर सेट और एग्जिट कितने पे कर रहे हैं, कूलिंग वाटर इज द कंडेंसर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दे रखी है 4.187 किलोजूल, 4.187 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट आपको दे रखा है 2000, आपको फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफर एरिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको चारों टेम्परेचर्स दे रखे हैं, आपको, ठीक है। आप इससे क्या निकाल सकते हो, LMTD निकाल सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक और वैल्यू दे रखी है, वाटर की फ्लो रेट MW 15 kg पर आवर। देखिए, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में राइट हैंड साइड की कंप्लीट टर्म दे रखी है आपको, वहाँ से आपको एनर्जी निकल आया, हीट ट्रांसफर निकल आया, और एक फॉर्मूला आपके पास क्या है हीट ट्रांसफर का, क्यू इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एल एम हीट ट्रांसफर का। इसे मैं लिख सकता हूँ MC CPC TCE माइनस TCI के। ओके, इस हीट ट्रांसफर फॉर्म को मैं इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के राइट हैंड साइड टर्म के इक्वल, क्योंकि मैं इस वाली को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सारे डाटास पता है तो मैं इसलिए फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म नहीं ली। अब हम डेल्टा टी एल एम फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा टी एल एम, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, ये पता है, यू पता है, डेल्टा टी एम पता है। ओके, ओ सॉरी, यू पता है, ये वाली सारी वैल्यूज पता है, डेल्टा टी एम और ए अगर पता चल, डेल्टा टी एम पता चल जाएगा तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा टी एम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी अपॉन एल एन डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी ई। पैरेलल फ्लो टी आई, डेल्टा टी आई क्या होगा, टी एच आई माइनस टी सी आई, टी एच आई कितना है 120 माइनस टी सी आई कितना हो जाएगा ये 90। ओके, 90 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी ई कितना होगा, टी एच ई माइनस टी सी, 120 माइनस 80 40 अपॉन एल एन 90 अपॉन 40 क्या वैल्यू आई, आप कैलकुलेटर से यूज कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए निकालिए, 90 माइनस 40 डिवाइड बाय एल एन 9/4
यू विल गेट 61.657 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एल एम, ये आपको मिल गया। ओके तो मुझे डेल्टा टी एल एम की वैल्यू मिल गई, क्यू इज इक्वल टू यू ए। डेल्टा टी एल एम को मैंने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के राइट हैंड साइड टर्म के इक्वलेंट रख के डेल्टा टी एल एम ये से मैंने इक्वल रखा। अब इसमें मैं मुझे डेल्टा टी एल एम की वैल्यू चारों टेम्परेचर से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, यू की वैल्यू पता है और ये कंप्लीट टर्म की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ ये सारे पैरामीटर्स यूज़ करके। तो अब मैं वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यू की वैल्यू मुझे दी है 2000, एरिया फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी एल एम मेरा आ गया 61.657, एम डब्ल्यू मेरा है 1500 के जी पर आर, तो उसे मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 3600 से। सीपीसी मेरा है 4.187 किलो जूल, तो मैं उसे जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और टीसी माइनस टीसीआई मेरा होगा 80 माइनस 30, डैट इज 50। अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 4187, 50 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 61.657 यू विल गेट 0.707 मीटर स्क्वायर। ओके 0.707 मीटर स्क्वायर। तो अच्छी प्रॉब्लम थी, कंडेंसर का केस था, जहाँ फेस चेंज हो रही है वहाँ पैरेलल काउंटर फ्लो मैटर नहीं करता। चारों टेम्परेचर मिल गए हमें, क्यू इज इक्वल टू यू ए, डेल्टा टी एम डेल्टा टी एल एम यूज़ किया, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के राइट हैंड साइड टर्म के इक्वल रखा और एरिया को हमने फाइंड आउट किया। ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स नाउ कम टू प्रॉब्लम 7, गेट 2009 की प्रॉब्लम है। इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो दे रखा है आपको हीट एक्सचेंजर ऑपरेटिंग अंडर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मीन्स ऑपरेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशंस विद टाइम चेंज नहीं हो रही है। द हीट कैपेसिटी रेट्स ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स आर इक्वल मीन्स ms.cph इज इक्वल टू mc.cpc। द हॉट फ्लूइड फ्लोइंग एट 1 kg/s विद स्पेसिफिक हीट, हॉट फ्लूड की हमें ms.cph दे रखा है तो mc.cpc निकल आएगा कोल्ड फ्लूड का भी। एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 102 डिग्री सेल्सियस, THI दे रखा है, वाइल द कोल्ड फ्लूड हैज इनलेट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, THI और TCI दे रखा है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज एस्टिमेटेड टू बी, यू दे रखा है आपको 1 kW/m² एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हीट ट्रांसफर सर्फेस एरिया इज 5 m², आपको सर्फेस एरिया दे रखा है ए 5 m², नेग्लेक्टिंग द हीट ट्रांसफर बिटवीन द हीट एक्सचेंजर एंड द एम्बियंट। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम हीट एक्सचेंजर की स्टडी करते हैं उसमें क्या हम लेकर चलते हैं, देर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मीन्स हम एडियाबेटिक हीट एक्सचेंजर को लेकर चलते हैं, मीन्स देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द हीट एक्सचेंजर एंड सराउंडिंग। ओके माई डियर फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन में हमें केवल इनलेट टेम्परेचर्स दिए होते हैं, आउटलेट टेम्परेचर्स नहीं पता होते, वहाँ पर हम NTU मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, NTU मेथड। इसमें हमें ऑलरेडी फार्मूला दे रखा है, अदरवाइज हम पैरेलल फ्लो के लिए विदाउट फार्मूले भी कर सकते थे अगर हमें ये दिया नहीं होता। हम मान के चल रहे हैं कि हमें ये नहीं दिया है, ठीक है, और हमें एग्जिट टेम्परेचर फॉर द कोल्ड फ्लूड फाइंड आउट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है, उसे नोट करते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके सबसे पहले हमें पैरेलल फ्लो दे रखा है, ठीक है, पैरेलल फ्लो टाइप का दे रखा है। दूसरा हम हॉट और कोल्ड लिख लेते हैं, हॉट और कोल्ड। फिर क्या दे रखा है हमें, इस पे हीट कैपेसिटी रेट्स दे रखी है हमें इक्वल हॉट एंड कोल्ड फ्लूड की। ओके ये दे रखा है हमें। फिर हॉट फ्लूड लिव फ्लोइंग एट 1 kg/s, ms. दे रखा है हमें 1 kg/s विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4 kJ/kg दे रखा है। ओके एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 102 डिग्री सेल्सियस, THI दे रखा है, वाइल द कोल्ड फ्लूड हैज इनलेट टेम्परेचर TCI दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट दे रखा है हमें यू 1 kW/m². टोटल हीट ट्रांसफर एरिया दे रखा है सरफेस एरिया 5 m², ठीक है। इतना डाटा दिया है और हमसे पूछ रहा है एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूड, TCE पूछ रहा है हमसे,
TCE। तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें MHCPH इज इक्वल टू MCCPC ये ऑलरेडी गिवेन है, ओके। तो MHCPH की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 1 × 4000, क्लोजूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें MCCPC की वैल्यू निकल आई, MCCPC ये आ गया, ओके। इफेक्टिवनेस, जब मैंने बताया कि हम NTU मेथड यूज़ करते हैं, NTU मेथड, अगर हमें आउटलेट टेम्परेचर्स नहीं पता है, प्रॉब्लम में अगर आउटलेट टेम्परेचर्स नहीं पता है तो NTU मेथड यूज़ करते हैं। और उसकी इफेक्टिवनेस पैरेलल फ्लो में क्या होती है, पैरेलल फ्लो में 1 − e−1 c NTU अपॉन 1 + c, ओके। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हीट कैपेसिटी दोनों की सेम दे रखी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्स हमें पता है, कैपेसिटी रेशियो सी मिनिमम सी मैक्स दोनों बराबर दे रखा है, तो सी क्या हो गया, 1, ओके। तो इससे ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, εln इज इक्वल टू 1 − 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 − 2 NTU / 2, ये हो गया, ये फॉर्मूला हमें मिल गया, ओके। सी वी हैव टू फाइंड NTU, NTU कितना, NTU इज इक्वल टू UA / C min, NTU इज इक्वल टू UA / C min, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, U दे रखा है 1000 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया, A 5, C min, C दोनों इक्वल हैं और वैल्यूज हमें पता है 4000, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 1.25 NTU, NTU निकला है, NTU की वैल्यू को हम इफेक्टिवनेस में रखेंगे इसमें, तो हमें इफेक्टिवनेस मिल जाएगी। तो अब हम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो इफेक्टिवनेस 1 − e−2 − 2 × 1.25 / 1 + c की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी 2 था, ये देखिए 2 था। तो इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं, e−2 × 1.25 − 1 + 1 / 2, यू विल गेट इफेक्टिवनेस 0.458, ये आपकी इफेक्टिवनेस आ गई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं हुई है, −2 × 1.25 e − 1 + 1 / 2, इफेक्टिवनेस 4.4589, 4 डिजिट तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस मिल गई हमें, इफेक्टिवनेस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q max क्या होता है, m·c min × THI − TCI, राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमें फाइंड आउट करना है कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर, TCE फाइंड आउट करना है, ओके। और यहाँ हीट कैपेसिटी दोनों सेम दे रखी है, मतलब दोनों इक्वल दे रखी है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है मैं हॉट वाली टर्म रखूँ या कोल्ड वाली टर्म रखूँ, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी बैलेंस m·CPS − THI − THE इज इक्वल टू m·CPC − TCE − TCI, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये मिनिमम, इसमें से कोई एक मिनिमम होती तो मैं उस वाली टर्म को रखता, लेकिन ये दोनों हीट कैपेसिटी मुझे दोनों सेम दे रखी हैं, तो मैं कोई सी भी टर्म लिख सकता हूँ, बट मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है उसे रखूँगा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। मुझे TCE फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, कोल्ड वाली टर्म ले ली, कोल्ड वाली MC·CPC − TCE − TCI − m·C min, ओके। ये कैंसिल आउट हो गया, अब वैल्यूज रख देते हैं, इफेक्टिवनेस कितना है, यहाँ कैलकुलेट किया 0.4589, TCE कितना है फाइंड आउट करना है, TCI कितना है 15, THI कितना है 102 माइनस 15। तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए वैल्यू को फाइंड करते हैं, 0.4589 × 102 − 15 + 15, यू विल गेट 54.924, दिस इज योर आंसर डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माई डियर फ्रेंड्स. नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 8, गेट 2010 की प्रॉब्लम है. एन इंडस्ट्रियल गैस सीपी एंटर्स ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एट 250 डिग्री सेल्सियस विद ए फ्लो रेट ऑफ 2 केजी पर सेकेंड टू हीट अ वाटर स्ट्रीम. द वाटर स्ट्रीम कैपेसिटी दे रखी एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट 50 डिग्री सेल्सियस. तो इससे क्लियर हो गया कोल्ड फ्लूड कौन सा है, हॉट फ्लूड कौन सा है. गैस हॉट है और वाटर कोल्ड है. विद अ फ्लो रेट ऑफ 1 केजी पर सेकेंड द हीट एक्सचेंजर हैज एन इफेक्टिवनेस ऑफ 0.75. द गैस स्ट्रीम एग्जिट टेम्परेचर विल बी. तो माई डियर फ्रेंड्स स्टेप्स फॉलो करते हैं. टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लिख लेते हैं, ठीक है. फिर हॉट कोल्ड लिख लेते हैं. हॉट क्या है, हमारा गैस है. कोल्ड क्या है, हमारा वाटर है. ओके, हॉट में हमें क्या दे रखा है, सी पी 1 kJ पर किलोग्राम केल्विन. वाटर एंटर्स ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एट 250 डिग्री सेल्सियस. THI दे रखा है. किस फ्लो रेट पे, MS डॉट दे रखा है, 2 kg पर सेकेंड. ओके, फिर क्या दे रखा है, वाटर, वाटर का CPC दे रखा है हमें 4 kJ पर किलोग्राम केल्विन. एंटर्स द हीट एक्सचेंजर एट वॉट टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस विद ए फ्लो रेट ऑफ MC.1 kg पर सेकेंड. ओके, द हीट एक्सचेंजर हैज एन इफेक्टिवनेस 0.75. द गैस स्ट्रीम एग्जिट टेम्परेचर विल बी, हमसे पूछ रहा है THE पूछ रहा है, THE. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स हमें इफेक्टिवनेस दे रखी है. इफेक्टिवनेस की फॉर्मूलेज हमें 2 टर्म्स में पता है, एक एंटी वाली टर्म्स में पता है और एक टेम्परेचर वाली फॉर्म्स में पता है. और यहाँ पे हमें एग्जिट टेम्परेचर दोनों की देनी रखी है तो हमें एंटी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी. लेकिन एंटी फॉर्म के लिए हमें ना तो एरिया दे रखा, ना यूनिवर्सल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट दे रखा. तो इफेक्टिवनेस की हमें दूसरी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है. इफेक्टिवनेस की हमें कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम वाली, ठीक है. मीन्स टेम्परेचर वाली फॉर्म, एम डॉट सी मिनिमम THI माइनस TCI. अब देखते हैं क्यू एक्चुअल यहां पर किसकी वैल्यू रखी है. तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको क्या पता है, एनर्जी कंजर्वेशन से MS डॉट CPI THI माइनस THE MC डॉट CPC TCE माइनस TCI. ओके, वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज हमें पता है. ये 2 है CPH, क्लोजूल में दे रखिए, क्लोजूल में पुट ऑन कर देते हैं क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू भी क्लोजूल में पुट ऑन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. THI आपको 25 दे रखा है, ठीक है. THE MC डॉट कितना देखा, 1 4, TC 50, ठीक है. लेकिन यहाँ हमारी बात बन नहीं रही, ये हमने, हमें ये स्टेप नहीं करना था, हमें इससे पहले एक और स्टेप करना था. क्या स्टेप करना था, स्पेस हीट कैपेसिटी का हमें देखना है, किसकी कम है हीट कैपेसिटी. उससे क्लियर होगा हीट कैपेसिटी से कि यहाँ क्यू एक्चुअल किसकी रखे हैं, ठीक है. तो हीट कैपेसिटी की कैलकुलेशंस करते हैं. MS डॉट CPH कितना हो गया, 2 × 1 1 kW पर सेकेंड, ठीक है. MC डॉट कितना हो गया, MC डॉट CPC 4 × 1 4, ये 2 है, 2, 1 × 2 2, 4 × 1 4 kW पर सेकेंड. तो यहाँ से क्लियर हो गया MS डॉट CPH MC डॉट CPC से कम है, ये क्लियर हो गया. और हमें हॉट टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ से जिसका कम है वो वाली टर्म यहाँ पर रख देंगे हम. इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू MS डॉट CPH THI माइनस THE अपॉन एम डॉट सी मिनिमम THI माइनस TCI. MS डॉट CPH मिनिमम थी तो ये कैंसिल आउट हो गया. इफेक्टिवनेस कितना है, 0.75. THI कितना है, 25. THE 25 माइनस, सॉरी ये 250 है माय डियर फ्रेंड्स, 250, ठीक है, 250 माइनस TCI 50 है. ओके, 250 माइनस 50, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं बट फाइनल आंसर तक आने तक वो मिस्टेक्स पता चल जानी चाहिए. 250 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आपको मिला 100 डिग्री सेल्सियस. THE कितना आया आपका,
100 डिग्री सेल्सियस। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप की जरूरत नहीं थी। ओके क्या स्टेप होता है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एनटीयू मेथड, 1 e^-1c NTU/1c, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनटीयू के लिए हमें रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं पता है, ना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट पता, ना एरिया पता, तो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, टेम्परेचर वाला, प्योरली टेम्परेचर वाला, ठीक है। प्योरली टेम्परेचर वाले फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें किस टर्म को रखना है एनर्जी बैलेंस की, लेफ्ट को या राइट को, वो डिसाइड करेगा एम डॉट सी मिनिमम। उसके लिए हमने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट किया, हीट कैपेसिटी, और इसमें देखा किसका मिनिमम, जिसका मिनिमम है उसको हमने उस वाली टर्म को यहाँ पर रखा, ये कैंसिल आउट हो गए। ओके वैल्यूज को पुट ऑन किया, THE हमने 100 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, यू कैन सी 100 डिग्री सेल्सियस। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, कम टू प्रॉब्लम 9, ये 2011 की प्रॉब्लम है। ये 2011, कोल्ड वाटर फ्लोइंग एट 0.1 kg/s इज हीटेड फ्रॉम 20 to 70 इन ए काउंटर फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर बाय हॉट वाटर स्ट्रीम फ्लोइंग एट 0.1 kg/s एंड एंटरिंग एट 90 डिग्री सेल्सियस CPW कितना देर का 4200 J/kg एंड रो डब्ल्यू कितना देर का डेंसिटी 1000 kg/m³। इफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट फॉर द हीट एक्सचेंजर इज 2000 W/m² द रिक्वायर्ड हीट एक्सचेंज एरिया इज। माई डियर फ्रेंड्स, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, आपको तीन टेम्परेचर्स दे रखे हैं और हीट कैपेसिटी भी दे रखी है, तो आप फोर्थ टेम्परेचर निकाल लोगे। फोर्थ टेम्परेचर निकालने के बाद आप Q = UA ∆Tm निकाल सकते हो, तो वहाँ पर आप ∆Tm की वैल्यू निकाल लीजिए, U पता है, एरिया आराम से निकल आएगा। ओके तो सबसे पहले टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लिखते हैं हम, काउंटर हॉट कोल्ड दोनों की ज्यादा दे रखा है वाटर। ओके तो सबसे पहले कोल्ड वाटर दे रखा है, तो का डाटा लिख लेते हैं 0.1 kg/s TCI 20 TCE 70 बाय हॉट वाटर स्ट्रीम फ्लोइंग एट MS डॉट 0.1 kg/s एंटरिंग एट THI 90 डिग्री सेल्सियस CPW कितना दे रखा है हमें, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, देखिए दोनों वाटर है तो स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी दोनों की सेम होगी, ठीक है, रो डब्ल्यू 9000 kg/m³ और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 2000 दे रखा है आपको। देखिए पहले हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन निकालते हैं, फोर्थ लगाते हैं, फोर्थ टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। ओके THI - THE = MC·CPC TCE - TCI MH 0.1 CPH दोनों वाटर हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके वाटर के केस में कैंसिल आउट हो जाएगी। THI आपको 90 दे रखा है, THE MC डॉट 0.1 70 - 20। नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ THE, यूज कैलकुलेटर एंड डायरेक्ट पुट ऑन द वैल्यूज। ओ हीट के ये मास फ्लो रेट भी सेम दिया हुआ है, तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 70 - 20 50 इधर आएगा, तो THE आपको होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ओके Q = क्या होता है, UA ∆TLM, ठीक है, तो आपको ∆TLM की वैल्यू पता होनी चाहिए, ∆TI - ∆TE/ln ∆TI/ΔTE होगा। ∆TI काउंटर फ्लो में क्या होता है, THI - TC 90 - 70 20, डेल्टा टी कितना होगा, THE - TCI 20 ln 20/20। माई डियर फ्रेंड्स, ये तो 0/0 वाली फॉर्म बन गई, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा ∆TLM क्या होगा, ∆TI either ∆TI or ∆TE, तो ये हो गया 20। ओके आप उससे भी पता कर सकते हो, वाटर दे रखा है, मास फ्लो रेट भी सेम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है, तो सी यहाँ पर MS.CPH ये वाला केस था, MS.CPH = MC.CPC वाला, तो यहाँ से हमारा ∆TLM काउंटर फ्लो के केस में निकल आया। ओके अब देखिए क्यू क्या है, क्यू हमारा इसके इक्वल है, इसके इक्वल
ठीक है, ये हीट लॉस्ट बाय द हॉट वाटर और ये हीट गेन बाय द हॉट वाटर। तो निकालते हैं डायरेक्ट मैं 0.1 इंटू सी पी एच 4200, 4200 दे रखा है हमें, ठीक है। और ये हो गया 90 माइनस टी एच ई, 90 माइनस 40 50, यू कितना दे रखा 2000, ए फाइंड आउट करना है डेल्टा टी एम 20। कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी है, विदाउट कैलकुलेटर आप इजीली कर सकते हो, बट गेट में जब कैलकुलेटर मिला है तो आप यूज कीजिए। डिवाइडेड बाय 2000 बाय 20 यू विल गेट 0.525 मीटर स्क्वायर एरिया, ओके 0.525। तो बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, आपको तीन टेम्परेचर्स दे रखे थे, आपने फोर टेम्परेचर फाइंड आउट किया। उसके बाद आपको हीट कैपेसिटी दोनों की इक्वल है क्योंकि मास फ्लो रेट सेम है और यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम दे रखी है। तो क्या हो गया, हीट कैपेसिटी सेम हो गई और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का केस है, तो डेल्टा टी एल एम किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई के बराबर, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 20 रखा, यू की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, तो हमें मिल गया हीट एक्सचेंज एरिया। ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, गेट 2012 की प्रॉब्लम है। वाटर स्पेसिफिक हीट दे रखा है एट 80 डिग्री सेल्सियस एंटर्स ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विद अ मास फ्लो रेट ऑफ 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड, एयर सी पी इज इक्वल टू 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस विद ए मास फ्लो रेट इफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज द एल एम टी डी इज। माई डियर फ्रेंड्स, एल एम टी डी के लिए क्या जरूरी होता है, टेम्परेचर्स, फोर टेम्परेचर्स आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर कितने टेम्परेचर्स आपको दे रखे हैं, ओनली टू टेम्परेचर्स, वो भी कौन से, इनलेट टेम्परेचर्स, आपको आउटलेट टेम्परेचर्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले डाटा लिख लेते हैं और टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर कौन सा है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओके, हॉट कोल्ड, ओके। और क्या दे रखा है आपको, हॉट में वाटर और कोल्ड में एयर, ओके। तो वाटर का डाटा देता है, दिया है सी पी एच 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और यहाँ सी पी सी कितना दिया है, 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अपार्ट फ्रॉम दिस टी एच आई इज 80 डिग्री सेल्सियस विद ए मास फ्लो रेट ऑफ 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड, ओके। टी सी आई दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस विद ए मास फ्लो रेट ऑफ 2.09 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। इफेक्टिवनेस हमें दे रखी है 0.8। माई डियर फ्रेंड्स, देखिए एन टी यू के लिए हमें यूनिवर्सल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट पता होना चाहिए, हीट एक्सचेंज एरिया पता होना चाहिए, तो वो दिया नहीं है। तो इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ एन टी यू और कैपेसिटी रेशियो होता है वो तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम क्या होता है, एम डॉट सी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई, राइट। और क्यू एक्चुअल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यू एक्चुअल की वैल्यू कौन सी रखनी है एनर्जी बैलेंस की, लेफ्ट हैंड साइड रखनी है, राइट हैंड साइड, मीन्स एम एस डॉट सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई इक्वल टू एम सी डॉट सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है। इसकी लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, वो कौन डिसाइड करेगा, मिनिमम हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी निकालते हैं, यहाँ पे एम एस डॉट सी पी एच वैल्यू रखते हैं 4180, ये जूल में रख दी मैंने, 4180 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यू विल गेट 2090 वॉट पर सेकेंड। अब एम सी डॉट सी पी सी देख लेते हैं, ये हुआ आपका 2.09 इंटू 1000, यू विल गेट 2090 वॉट पर सेकेंड। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज सेम हेयर, स्पेसिफिक हीट सेम है और काउंटर फ्लो का केस दिया है, काउंटर फ्लो का केस दिया है आपको, ठीक है। तो काउंटर फ्लो के केस में डेल्टा टी एल एम क्या होता है, डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई, राइट, ये होता है आपको एल एम टी डी फाइंड करना है। तो डेल्टा टी आई और डेल्टा टी ई के लिए आपको टेम्परेचर्स चाहिए, ठीक है। अगर मुझे डेल्टा टी आई निकालना है तो डेल्टा टी आई के लिए क्या है, टी एच आई माइनस टी सी ई चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब स्पेसिफिक हीट सेम है तो कोल्ड फ्लूड की रख लेता हूँ, कोल्ड फ्लूड की एम सी डॉट सी पी सी टी सी ई माइनस टी सी आई, एम डॉट सी मिनिमम टी एच आई माइनस टी सी आई, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। इफेक्टिवनेस दे रखा है 0.8, टी सी पता नहीं, जिसे हमें फाइंड आउट करना है।
THI 80 माइनस 30 यू विल गेट TC हेयर 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यू विल गेट 70 डिग्री सेल्सियस. ओके यू गॉट TC 70 डिग्री सेल्सियस. और डेल्टा TI क्या होगा, THI माइनस TC. THI कितना दे रखा 80, TC हो गया 70, यू विल गेट 10 डिग्री सेल्सियस. तो आपका डेल्टा TLM क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन आपको बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा. ओके नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्लास. क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गेट 2014 की प्रॉब्लम है. इन ए कंसेंट्रिक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, वाटर फ्लोज थ्रू द इनर ट्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 42 डिग्री सेल्सियस. द इंजन ऑयल एंटर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्लोज इन द एनुलर फ्लो पैसेज. द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द इंजन ऑयल इज 50 डिग्री सेल्सियस. मास फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड द इंजन ऑयल आर 1.5 किलोग्राम पर सेकेंड एंड 1 किलोग्राम पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड ऑयल आर 4178 जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड 2130 जूल पर किलोग्राम केल्विन रिस्पेक्टिवली. द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर. आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके तो माई डियर फ्रेंड्स, आपको कंसेंट्रिक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दे रखा है. ये इनर पाइप हो गया, इनर ट्यूब हो गई या आउटर ट्यूब हो गई. ओके एक ऐसे फ्लो कर रहा है, एक ऐसे फ्लो कर रहा है. इनर ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है, वाटर, और आउटर में क्या कर रहा है, ऑयल. ठीक है तो ये काउंटर फ्लो दे रखा है आपको. अब जो डाटा है वो लिख लेते हैं. हॉट फ्लोज थ्रू द इनर ट्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये हो गया कोल्ड फ्लूड. ठीक है और हॉट ऑयल है, तो TCI दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, TCE दे रखा है आपको 42 डिग्री सेल्सियस. इंजन ऑयल एंटर्स एट THI 100 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स कितने पे, THE 50 डिग्री सेल्सियस, और किस में फ्लो कर रहा है, ये एनुलर पैसेज में. ओके मास फ्लो रेट ऑफ वाटर MC. दे रखा है आपको 1.5 kg पर सेकेंड, और इंजन ऑयल की दे रखी है आपको 1 kg पर सेकेंड. ठीक है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको CPC दे रखा है 4178 जूल पर किलोग्राम केल्विन, और ये आपको दे रखा है CPH 2130 जूल पर किलोग्राम केल्विन. इसमें तो सब कुछ दे रखा है, तो प्रॉब्लम तो बहुत इजी हो गई. माय डियर फ्रेंड्स, इफेक्टिवनेस के लिए जब NTU की बात हो नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं पता, एरिया नहीं पता, तो आप वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे. आप क्या यूज़ करोगे, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम, और ये क्या होता है, क्यू एक्चुअल अपॉन M.C मिनिमम THI माइनस TCI. राइट अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है वो डिसाइड करता है ये तो वो देख लेते हैं. MH.CPH कितना हो गया आपका 2130 वाट पर सेकेंड, वैल्यू रख लीजिए MH की 18, CPH की 2130 है. MC.CPC देख लेते हैं, MC.1.5 मल्टीप्लाई बाय 4178 कितना हो गया, यूज कैलकुलेटर 1.5 4.4178 6267 वाट पर सेकेंड. तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, MH.CPH इज लेसर देन MC.CPC, ये क्लियर हो गया. तो यहाँ पर एक्चुअल में मिनिमम वाली रखेंगे MH.CPH THI माइनस THE अपॉन M.C मिनिमम THI माइनस TCI. ओके MH.CPH ये कैंसिल हो गया, THI कितने दिया है हमें 100 माइनस 50, THI 100 माइनस 25, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है. ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 75, 25 3 जा 25 2 जा 2 बाय 3, आंसर इज 0.667. दिस इज योर आंसर, 0.667 इज द आंसर. ओके नाउ मूव ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्लास माय फ्रेंड. लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्लास गेट 2014 की है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. अ डबल पाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर्स हीट बिटवीन टू वाटर स्ट्रीम्स
ट्यूब साइड वाटर एट 19 लीटर पर सेकेंड इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस. सेल साइड वाटर एट 25 लीटर पर सेकेंड इज एंटरिंग एट 46 डिग्री सेल्सियस. अज्यूम कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक हीट 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन. द एलएमटीडी इज, माई डियर फ्रेंड्स, एलएमटीडी के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर. 4 टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर काउंटर फ्लो का केस है और स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी इक्वल है तो आपके 2 टेम्परेचर से भी निकल जाते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर, काउंटर फ्लो, हॉट कोल्ड. हॉट किस साइड वाला है? ट्यूब वाला. नहीं, हॉट है सेल साइड वाला. ठीक है, ट्यूब साइड वाटर एट 90 लीटर पर सेकेंड इज हीटेड. तो ट्यूब साइड वाला तो हीट हो रहा है, तो ये हुआ कोल्ड वाला, ट्यूब साइड वाला. ओके, ट्यूब साइड वाटर आपको क्या दे रखी है? वॉल्यूम फ्लो रेट 19 लीटर पर सेकेंड, TCI 10 डिग्री सेल्सियस, TCE 38 डिग्री सेल्सियस. सेल साइड वाटर एट 25 लीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है आपको, ये VC हो गया, ये VH. 25 लीटर पर सेकेंड दे रखा है, एंटरिंग एट 46 डिग्री सेल्सियस. अज्यूम कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज. डेंसिटी आपको दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज सेम फॉर बोथ. स्पेसिफिक हीट 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम के लिए आपको डेल्टा TLM क्या होता है आपका? डेल्टा TLM डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE अपॉन LN डेल्टा TI अपॉन डेल्टा TE होता है. लेकिन काउंटर फ्लो का केस है, इसमें हम हीट कैपेसिटी को भी चेक कर लेते हैं, कहीं दोनों की सेम तो नहीं है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हीट कैपेसिटी क्या होती है? MH.CPH. MH क्या है? MH को हम रो इंटू VH. लिख सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट. ओके, तो डेंसिटी आपको 1000 दे रखी है, 1000 दे रखी है. VH. 25 लीटर पर सेकेंड, इसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ. CPH आपको कितना दे रखा है? 4186. तो वैल्यू कितनी आई आपकी? 25 इंटू 4186 मल्टीप्लाई किया तो 104650. MC.CPC देख लेते हैं. रो इंटू VC.CPC. डेंसिटी 1000, वॉल्यूम फ्लो रेट 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4186. तो हीट कैपेसिटी तो सेम है नहीं, ठीक है. तो आपको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से ही फोर्थ टेम्परेचर निकालना पड़ेगा. अगर ये दोनों सेम आ जाती तो हमारा क्वेश्चन हो जाता बहुत ईजी. डेल्टा TLM इज इक्वल टू डेल्टा TI और डेल्टा TE के बराबर होता है. डेल्टा TI के लिए काउंटर फ्लो में THI माइनस TCE हो जाता. ओके, तो आप डायरेक्ट हम एनर्जी बैलेंस यूज़ करते हैं. MH.CPH THI माइनस THE किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर फाइंडिंग आउट द फोर्थ टेम्परेचर. नाउ वैल्यूज को रखते हैं. MH.CPH की वैल्यू हो गई आपकी 104650. THI कितना है आपका? 46. माइनस THE कितना है आपको फाइंड आउट करना है. MC.CPC की वैल्यू 79534. TCE कितना? 38. TCI 10. ओके, यहाँ से आपकी THI की वैल्यू कितनी आ गई? कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं. 79534 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 104650. ओके, तो आपको यहाँ वैल्यू मिली 24.72 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब डेल्टा TI और डेल्टा TE की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा TE और डेल्टा TI, ये क्या होता है? THI माइनस TCE होगा, और ये क्या होगा? THE माइनस TCI. ओके, तो THI माइनस TCE 46 माइनस 38 कितना हो गया? ये 8 डिग्री सेल्सियस. THE माइनस TCI, THE 24.72 माइनस 10, 14.72 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब डेल्टा TLM में ये वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं. 8 माइनस 14.72 डिवाइडेड बाय LN, 8 बाय 14.72. ओके, अब कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं.
एट माइनस 14.72 डिवाइड बाय एल एन 8 बाय 14.72 11.02 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर. ओके 11.02 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करा दी हैं हीट एक्सचेंजर्स की पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को कंबाइन करोगे तो. ओके तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ रिंग द बेल. थैंक यू सो मच.